स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आज में हम बनाते हैं ब्लैक राइस इडली। ब्लैक राइस इडली बनाने के लिए हम लेंगे ये काले चावल, जो कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत चलते हैं और बहुत पौष्टिक होते हैं, और लेंगे हम उड़द की दाल। इसकी हम जो रेसिपी बनाने के लिए हम इसका रेशियो जो लेंगे, उसके लिए तीन कटोरी, मैंने इस साइज़ की तीन कटोरी ब्लैक राइस लिए हैं और एक कटोरी उड़द की दाल, 3:1 के रेशियो में हम इसे लेंगे। और इसको हम धो के 8 घंटे के लिए भिगो देंगे। ये देखिए, मैंने काले चावल जो हैं, ब्लैक राइस जो हैं, इस तरह भिगो दिए। पहले देखिए ऐसे दिखते हैं, और भीगने के बाद इस तरह वो हो गए हैं। इनको हम पेस्ट बना लेंगे। और ये हमने उड़द की दाल भी भिगो दी है, जो कि अच्छे से फूल गई है, इसका भी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम पीसेंगे उड़द की दाल। उड़द की दाल को हमने मिक्सी में डाल दी है। उसी पॉट में ये काले वाले चावल जो ब्लैक राइस भिगो के रखे थे, इनको पीस लेंगे। ये ब्लैक राइस हमने मिक्सी में डाल दी है। इसमें हमने 1 चम्मच मेथी दाना भी भिगो दिया था। मेथी दाना डालने से इडली बहुत अच्छी बनती है। चलिए इसको पीस लेते हैं। ब्लैक राइस देखिए पीसने के बाद इस तरह दिखने लगे हैं, जामुनी कलर के। इसको भी हम इस पॉट में निकाल देंगे। ब्लैक राइस पीस गए हैं इस तरह। अब इसमें हम ये उड़द की दाल का पेस्ट डाल देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक स्वादानुसार। और इसको अच्छे से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छे से इस तरह फेंट लेंगे। ब्लैक राइस बहुत ही हेल्दी हैं, और ये नॉर्मल हर जगह नहीं मिलते हैं। वैसे अमेज़ोन पे आप मंगवाना चाहें तो अब तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, पर मोस्टली ये नॉर्थ ईस्ट में ही पाए जाते हैं। इसके पहले मैंने ब्लैक राइस की खीर और ब्लैक राइस की पुडिंग बनाई है। आज मैं आपको ब्लैक राइस की इडली बनाना बता रही हूँ। ये देखिए खूब अच्छे से, देखिए उड़द दाल इसमें मिक्स हो गई। अब हम इसको सारी रात के लिए छोड़ देंगे, या 8 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि जैसे इडली का आटा फर्मेंट होता है, वैसे ही ये फर्मेंट हो जाए। इस तरह स्टीमर में हमने पानी गरम कर दिया है, और इस तरह ब्लैक राइस का घोल जो हमने तैयार कर लिया था, ग्रीस लगे कंटेनर में लगा देंगे, और इसको हम स्टीम करने के लिए रखेंगे जब तक इडली बन नहीं जाती है। करीब 10 से 15 मिनट तक हम इसको स्टीम कर लेंगे। देखिए इडली करीब 10 से 15 मिनट हमने इसको छोड़ दिया था स्टीम होने के लिए। देखिए बन के तैयार हो गई, हाथ में चिपक नहीं रही है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बंद करने के बाद भी हमने इसको थोड़ी देर ढक के छोड़ दिया था, ताकि इडली उसमें से छूट जाए अच्छे से। फिर हम इसको चाकू की सहायता से इस तरह निकाल लेंगे। देखिए कितनी सॉफ्ट और बढ़िया आई है। इस तरह हम ये सारी इडलियों को प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए, तैयार है ब्लैक राइस इडली खाने के लिए। है ना कितनी आसान और पौष्टिक भी। आपको अगर शुगर है, डायबिटिक के पेशेंट हैं आप, तो ये इडली आपके लिए बहुत ही हेल्दी है। आपके ब्लड प्रेशर को भी नियमित करती है ब्लैक राइस। तो फिर देर किस बात की, आप भी ब्लैक राइस मंगवाइए और इस तरह की इडली बनाइए, और अपने परिवार का सेहत और स्वास्थ्य भी बनाइए। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम पे और
फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको ये इडली तोड़ के भी बता रही हूँ, ये देखिए तोड़ने के बाद देखिए एकदम स्पंजी आई है पूरी, बहुत ही अच्छी बनी है ये। प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।